8 महीने पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन का इरादा एलएसी से लगने वाली सीमा पर यथास्थिति बदलने का था। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को लेकर चीन का रवैया बदलने वाला नहीं है, लिहाजा दोनों सेनाओं ने गतिरोध बढ़ता हुआ देख सीमा पर हथियारों की तादाद बढ़ा दी है। आने वाले समय में एशिया के इन दो सबसे बड़े ताकतवर देशों के बीच रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। वैसे तो भारत और चीन की सेना के बीच अभी तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है और इन बातचीत में शीर्ष कमांडरों ने भाग लिया है, लेकिन अभी तक सीमा विवाद पर पूरी तरह से कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच विवाद को निपटाने के लिए बातचीत का दौर अभी जारी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अभी तक भारत चीन सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता के लिए तारीख तय भी नहीं हो पाई है। दोनों ही सेनाएं पेंगोंगसो झील के उत्तरी किनारे पर विवाद खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। 14वें कोर्स कमांडर और पीएलए के पश्चिमी कमान के कमांडर को बदलना भी इस बात का संकेत है कि तनाव कम करने पर जोर दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती पीएलए कमांडर जनरल झाओ जोंकी भारत और भूटान सीमा को लेकर आक्रामक थे। एलएसी पर जहां यथास्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भूटान सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा निर्माण कार्य जारी है। यही वजह है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भूटान के पास मुख्य रूप से औपचारिक सेना है जो चीनी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। सिक्किम भूटान सेक्टर भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है। माना जा रहा है कि लद्दाख में जारी सीमा गतिरोध भले ही खत्म हो जाए, लेकिन भारत के प्रति चीन का रवैया जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मोदी सरकार का भारत प्रशांत और क्वाड के लिए अमेरिका के साथ गठजोड़ है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। भारत के प्रति ड्रैगन किस तेवर पर, क्या है आपकी राय, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।